बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का मधुबनी एवं झंझारपुर से भी था विशेष तौर पर लगा। उनके निधन पर मधुबनी में भी शोक की लहर है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भले ही बिहार के सीएम रहे, पर उनका जुड़ाव एवं लगाव मधुबनी जिले से विशेष तौर पर रहा है। झंझारपुर के अधिकतर लोगों को वे अंतिम समय तक नाम से जानते थे। जब कभी लोग उनसे मिलने जाता था तो नाम लेकर ही लोगों का हालचाल जानते थे। लिहाजा मधुबनी के लोगों में काफी गम है। उनकी लोकप्रियता एवं आत्मीयता का आलम यह रहा है कि अंडराठाही गांव का बच्चा बच्चा उन्हें मामा ही कहा करता है। किसी ने उन्हें सीएम साहब नहीं पुकारा, उन्होंने भी ठाठी गांव के लोगों को तुम कहकर ही बुलाया। यह गांव उनकी बहन का ससुराल था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर इस गांव के लोगों ने देखा है। इस गांव के घर घर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का आना जाना लगा रहा। शिक्षाविद महेश झा बताते हैं कि इस गांव में ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की बहन की शादी हुई थी। चंद्रनाथ झा उर्फ ठक्कन झा उनके बहनोई थे, जिस कारण इस गांव से उनका विशेष जुड़ाव रहा। प्रारंभिक शिक्षा भी गांव के ही सदानंद झा ने ही दी थी। बात केवल अंडराठाढ़ी के ठाढ़ी गांव की ही नहीं, बल्कि झंझारपुर एवं मधुबनी तक के लोगों से उनका अपनापन, मिलना एवं उनकी सहज जीवन शैली उनकी आदत में शुमार था। मधुबनी एवं झंझारपुर के विकास में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का योगदान अविस्मरणीय है। झंझारपुर का रेल सह सड़क पुल आज विश्व प्रसिद्ध है, पर बहुत कम लोगों को ही यह पता होगा कि इसके निर्माण का श्रेय स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा को ही जाता है। बताया जाता है कि साल 1972 में जब वह चुनाव मैदान में उतरे और झंझारपुर आए, तब उनका वाहन झंझारपुर बाजार तक नहीं जा सका। नदी के पहले ही गाड़ी को आईबी के समीप रोकना पड़ा। वह पैदल ही झंझारपुर गए। 1934 के भूकंप में कमला नदी पर बना पुल टूट चुका था और लोगों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस समय उन्होंने अपने भाई रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र को रेल पुल को ही रेल सह सड़क पुल बनाने का प्रपोजल दिया, जिसे बाद में धरातल पर उतारा गया। बताया जाता है कि आज भी यह पुल मौजूद है। स्वर्गीय मिश्रा दूरदर्शी थे। इस जिला के लोगों को रोजगार मिले और उन्हें पलायन नहीं करना पड़े, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1981 में पंडौल में औद्योगिक क्षेत्र बनाया।